सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमिक कंट्री, जिसमें मैं मार्वल कॉमिक्स के स्टोरीज को आपको हिंदी में सुनाता हूँ। और आज की वीडियो अनवर्थी थॉट की लास्ट एपिसोड होने वाली है। यह है एपिसोड नंबर 5। और अगर आपने 1 से लेकर 4 तक एपिसोड्स नहीं देखे तो उसकी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जिस आदमी को किसी वक्त निकोलस फ्यूरी के नाम से जाना जाता था, वो इस चांद पे कई महीनों पहले मारा गया था और उसकी अस्थियों से कुछ ऐसा निकला जो अनदेखा है। और इस वक्त जो यहाँ पे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा है वो असल में निक फ्यूरी नहीं है। निक फ्यूरी के दिल में पहले जो इमोशंस थे, अब वो इमोशंस मैं फील नहीं कर पाता। अब मैं पहले जैसे सपने नहीं देखता। और एक चीज के अलावा मुझे अब कोई पछतावा नहीं होता। मुझे कभी वो बात नहीं भूलनी चाहिए थी। मुझे कभी भी ग्रेटेस्ट भगवान को अनवर्दी नहीं बनाना चाहिए था। इवन जो बातें मैंने कही थी अगर वो सच है तो ओडिनसन, अब वक्त आ चुका है कि तुम अपने सारे बोझ से आजाद हो जाओ और अपनी मंजिल तक पहुंचो। और तब हम देखते हैं ओडिनसन उस मिस्टीरियस हैमर को उठाने की कोशिश करता है। तब थॉर अपने दिमाग में सोचता है कि मैं इसे फील कर सकता हूँ। इस पूरे क्रिएशन में उरुके जैसे कोई भी चीज फील नहीं होती और दूसरी दुनिया से आने के बावजूद भी ये हैमर मुझे अच्छी तरह से पहचानती है। मैं ये सुन सकता हूँ कि ये हैमर मेरा नाम पुकार रही है। और पीटर एबल भी ओडिनसन से कहते हैं कि हाँ इसे करो ओडिनसन, यही वक्त है इसे करने का। तब ओडिनसन आगे सोचता है कि मैं सुन सकता हूँ, एक ड्रम की तरह बिजली मेरे कान में गूंज रही है और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं थॉर हूँ, मैं हूँ तूफान का देवता, ये हैमर मेरा नहीं है। तब वो अननोन बीइंग कहती है कि तुम सही हो एस्गार्डियन, ये हैमर थैनोस का है। तब प्रॉक्सिमा मिडनाइट भी कहती है अब मैं इस हैमर को थैनोस को दूंगी। और तब ब्लैक स्वान कहती है कि मैं भी प्रॉक्सिमा के साथ हूँ और मैं भी थैनोस को तुम्हारा सिर लाके दूंगी छोटे भगवान। और तब थॉर कहता है कि शायद ये मेरा हैमर नहीं है पर ये थॉर का हैमर है और ये हैमर तुम जैसे लोगों के पास कभी नहीं जाएगा। और तब थॉर ये बात कहने के बाद जमीन पे एक बहुत जोरदार का पंच मारता है जिसकी वजह से बहुत सारी बिजली जनरेट होती है और वो ताकत उन तीनों को कलेक्टर के शिप के बाहर बहुत दूर कहीं लेकर फेंक देता है। इसके बाद कलेक्टर कहता है तुम सही हो, ये हैमर कहीं नहीं जा रही है और ये हैमर इस जगह से तब तक नहीं लगी जब तक मैं इसे कहीं ना ले जाऊँ। और ओडिनसन ये बेहतर होगा कि तुम अपने पिंजरे में वापस चले जाओ। और तब ओडिनसन कहता है कि नहीं, कोई भी अपने पिंजरे में वापस नहीं जाएगा। और फिर हम देखते हैं हेलाउंड को जिसने कलेक्टर के कलेक्ट किए हुए सारे क्रिएचर्स को आजाद कर दिया था। और फिर कलेक्टर सारे आजाद हुए क्रिएचर्स को देखते हुए कहता है नहीं, ये सारी मेरी चीजें हैं, तुम इन्हें कहीं नहीं ले जा रहे हो। इसके बाद कलेक्टर गुस्से से कहता है कि नहीं, अब मैं इस हैमर को नहीं लेने वाला। पर अचानक से वहाँ पे ओडिनसन आ जाता है और दी कलेक्टर को एक हाथ से उठा के वो उससे कहता है कि पर इस हैमर को मैं ले जाने वाला हूँ अपने घर। और फिर वो कलेक्टर को फेंकते हुए कहता है कि तुमसे अब नर्क में मुलाकात होगी। इसके बाद बीटर एविल ओडिनसन के पीछे आके खड़ा होता है। वो ओडिनसन से कहता है कि अब मुझे लगता है कि हमारे यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है, मुझे उम्मीद है तुम्हारे पास शायद कोई प्लान होगा। ओडिनसन कहता है कि उन लोगों ने एस्गार्ड को चुराया था और हम लोग उन लोगों से एस्गार्ड को वापस चुराने वाले हैं। और तब बीटर एबल ओडिनसन से पूछता है कि पर तुम एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो। तब ओडिनसन कहता है कि तुम बस किसी चीज को पकड़ के रखना। और फिर ओडिनसन ओल्ड एस्गार्ड को वहां से कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है। पर कलेक्टर को वो देख के बिल्कुल विश्वास नहीं होता। अब कलेक्टर का गार्ड कलेक्टर से कहता है कि सर, एस्गार्ड, ओडिनसन और वो हैमर वो सब कहीं चले गए हैं, यहाँ तक कि उनका कोई नामो निशान तक नहीं है। तब कलेक्टर कहता है कि मुझे ऐसी कोई खूबसूरत सी चीज लाके दो जिसे देखकर मैं मर सकूं। पर तब वो गार्ड कहता है कि मुझे माफ कर देना सर, आपके सारे पिंजरे खाली हो चुके हैं और आपके गार्ड में से मैं सिर्फ अकेला बचा हूँ। और तब कलेक्टर अपने गार्ड को जमीन पे गिरा देता है और उसे कहता है कि तो फिर तुम वो करोगे। दूसरी तरफ हम द ब्लैक क्वाड्रेंट पे थैनोस की आवाज सुनते हैं जो कह रहा होता है कि खाली हाथ लौटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम लोगों ने तो बेवकूफी की सारी हद ही पार कर दी। पर अगर तुम लोगों को लगता है अर्थ में कैद रहने से मैं थोड़ा सा भी दयालु हो चुका हूँ तो तुम लोग गलत हो। तब ब्लैक स्वान कहती है ओडिनसन ने उस हथौड़े को हमसे छीन लिया था पर हम उसे इस पूरे कॉस्मोस में ढूंढ लेंगे माय लॉर्ड। तब प्रॉक्सिमा मिडनाइट भी कहती है कि आपकी ब्लैक ऑर्डर तब तक रेस्ट नहीं लेगी जब तक हम उस एस्गार्डियन की चमड़ी ना उधेर दे। और तब थैनोस कहता है कि म्यूनिट तो बस एक प्रतीक है, मेरी नजर हमेशा से ही बड़े हथियारों पे थी। और रही बात उस ओडिनसन की, अगर वो ओडिनसन खुद ही वर्दी ना रहा तो फिर वो मेरे कंसर्न के वर्दी कैसे हो सकता है। और तब थैनोस उस हुडेड बींग से कहती है कि पर तुम तो मुझे कुछ ट्रिब्यूट देने वाली थी पर अब तुमने मुझे क्या दिया, कुछ नहीं। और तब वो कहती है कि पर मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। और अचानक से वो ब्लैक स्वान के ऊपर अटैक कर देती है।
इसके बाद प्रॉक्सिमा मिडनाइट उससे कहती है कि मैं तो इस पल का कब से इंतजार कर रही थी जब मैं तुम्हारी पूंछ पकड़ के तुम्हें पटक सकूं। पर जब प्रॉक्सिमा मिडनाइट अपने स्पीयर से उसके ऊपर अटैक कर देती है तब वो बिंग उस स्पीयर को पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें और भी इंतजार करना पड़ेगा, तुम्हें अनंत काल तक इंतजार करना पड़ेगा। और ये कह के वो बिंग प्रॉक्सिमा को एक जोरदार पंच मारती है और फिर वो अपने मैजिक से प्रॉक्सिमा को पीटने लगती है। और हम देखते हैं उस हुडेड बींग ने प्रॉक्सिमा मिडनाइट को थैनोस के सामने जान से मार दिया। तब थैनोस कहता है कि क्या तुम मुझे चैलेंज करना चाहती हो, और तब वो बींग खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी बात रखने के लिए किसी प्रतीक की जरूरत नहीं है बल्कि मैं तो तुम्हें तुम्हारे इन बच्चों से बहुत ज्यादा कुछ दे सकती हूँ जिनसे तुमने खुद को घेर रखा था। तब थैनोस कहता है कि जिस औरत ने अपना सब कुछ खो दिया हो उसके मुँह से ये बातें शोभा नहीं देती। और फिर हम देखते हैं वो हुडेड बींग कोई और नहीं बल्कि हिला है। वो थैनोस से कहती है कि मेरे लिए ये सब बातें मायने नहीं रखती, मैं हूँ हेला, निफिलहेम की रानी हूँ मैं, मुझे अपना किंगडम वापस पाने में मदद करो थैनोस, और बदले में मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगी। तब थैनोस पूछता है कि तुम मुझे क्या दोगी। तब हेला कहती है कि हथौड़े या फिर खजाने से भी बढ़कर, जीत या फिर अपनी इज्जत से भी बढ़कर कुछ, मैं तुम्हें मौत दूंगी। और ये कह के वो थैनोस को किस करती है। पुराना एस्गार्ड लौट आया है। तब ओडिनसन कहता है कि नहीं, सब कुछ नहीं। पीटर एबल ओडिनसन से कहता है कि क्या तुम उसे उठाने की कोशिश तक नहीं करोगे। तब थॉर जवाब देता है कि नहीं, ये मेरा नहीं है। पीटर एबल उससे पूछता है कि तो फिर यह किसका है। तब थॉर कहता है कि ये जिस किसी का भी हो उसको वो बुलाएगी जैसे मेरे हैमर ने मुझे बुलाया था, पर तब तक मैं ये ख्याल रखूंगा कि ये किसी गलत हाथ में ना चली जाए। तब बिल कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम इसे उठा पाओगे, या तुम्हें अब भी अपने वर्थिनेस पे भरोसा है। तब ओडिनसन कहता है कि कोई भी भगवान वर्दी नहीं होता। तब बिल उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। ओडिनसन कहता है कि वो यही कहना चाहते थे। बिल पूछता है कि कौन। तब ओडिनसन कहता है निक फ्यूरी। ओडिनसन आगे बोलता है कि जब उन्होंने मुझसे वो बात कही, एक ऐसी बात जिसने मुझे अनवर्दी बना दिया, उन्होंने मुझसे कहा गॉड सही था। तब बिल कहता है कि कौन, गॉड द गॉड बूचर। गॉड द गॉड बूचर सही था, पर किस बारे में वो सही था। ओडिनसन जवाब देता है कि हर चीज के बारे में। ओडिनसन कहता है कि भगवान हमेशा से ही बेकार और बदला लेने वाले क्रिएचर्स थे, और जो मॉर्टल्स कई सालों से हमारी पूजा करते आए हैं वो भी गॉड्स के बिना बेहतर है। हम भगवान उनके प्यार के काबिल नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना भी लड़ाई करें, हम सब अनवर्दी हैं। बिल ओडिनसन से कहता है कि पर तुम इसे पूरी तरह से विश्वास नहीं करते। तब ओडिनसन कहता है कि अगर मैं इसे सचमुच विश्वास न करता तो फिर शायद मैं अपने हैमर को उठा सकता। बिल कहता है कि पर तुम अब भी उस हैमर के बिना लड़ाई कर सकते हो, पर हर दिन तुम अपने आंसू और खून बहाते हो गौर को गलत साबित करने के लिए। शायद भगवान वर्दी ना हो, पर तुम मेरे दोस्त कोई साधारण भगवान नहीं हो, तुम थॉर हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा हथियार उठाओगे या फिर तुम क्या कहलाओगे, पर तुम हमेशा थॉर रहोगे। तब ओडिनसन कहता है कि हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, पर सबसे जरूरी बात है मैं जो कुछ भी हूँ अभी, मेरे शरीर का एक एक हिस्सा बहुत ज्यादा पैसा है। तो फिर आज के दिन किसी भी हैमर को नहीं उठाया गया, पर बहुत सारे दुश्मनों को खत्म किया गया है, और साथ ही साथ हमने बहुत सारी शराब पी है। पुराने एसगार्ड में वापस से जिंदगी की नई झलक नजर आई, और मैंने अपने कुछ नए दोस्त भी बना लिए हैं। मुझे लगता है कि किसी कहानी को खत्म करने के लिए बहुत सारे बुरे तरीके हैं, पर शायद यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ना ही मेरे लिए या फिर इस उरुमेटल से बनी हुई चीज के लिए। मैं हूँ ओडिनसन, एसगार्ड का राजकुमार, द अनवर्दी थॉर। शायद मैं एक बारी में ये सब कुछ नहीं बन सकता जैसे मैं पहले हुआ करता था। तुम शायद मुझे मुसीबतों में डाल के मेरा टेस्ट ले सकते हो, मैं वहाँ पे तुम्हारा इंतजार करूँगा। उसी दिन बाद में हम देखते हैं एक अनजान बींग को जो कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है, मैं यहाँ फिर भी आया हूँ ये ना जान के कि मेरे जैसे किसी एक आदमी को क्यों चूज किया है इसके लिए। इस रिल्म में मैंने बहुत सारी चीज देखी है, ये रिल्म सच में बहुत ज्यादा डरावना है, उन सब चीजों ने मुझे बदल के रख दिया है। किसी की जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों को रोकने के लिए। मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे थॉर्स हैं जो मुझसे भी ज्यादा वर्दी है, पर इस वक्त रिल्म को एक नए थॉर की जरूरत है, एक ऐसा थॉर जो सबसे अलग हो, कोई ऐसा जो सब कुछ समझ सके। और तब वो अचानक से कहने लगता है, तुम्हें भी ये लगता है ना, तो अब वक्त आ चुका है, अब वक्त है जंग का। सो गाइज, ये था अनवर्दी थॉर का लास्ट एपिसोड। मैं इस सीरीज की फुल प्लेलिस्ट के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता हूँ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। आप लोग वहाँ से प्रीवियस एपिसोड्स को देख सकते हो। ऐसे ही मार्वल कॉमिक्स मार्वल फैक्ट्स को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।